बताइए आप ही के सॉन्ग लॉन्च पे आप ही को वेलकम कर रहा हूँ जैसा मैंने कहा सब इट it, इट्स you know, आप यहाँ पे हैं और ये करने के लिए मुझे बताइए सबसे पहले अगर फिल्म की मैं बात करूँ वॉज इट अ वेरी टफ चॉइस फॉर यू इस फिल्म को बनाना हाँ जी बिल्कुल शुरुआत से ही जैसे मैंने ये डिसाइड किया इस सब्जेक्ट पर फिल्म करनी है तो किसी ने भी इनक्रेज नहीं किया और मेरे पास पैसे नहीं थे सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट था वो था सच्चाई ट्रुथ राइट ओके तो इसी का सहारा लेकर मैं कुछ प्रोड्यूसर से मिला भी उनसे कहा कि भैया ये फिल्म है और मैंने ये मन में तय कर लिया था कि ये किसी स्टार से नहीं बनाऊँगा क्योंकि right. मैं गांधी जी और गोड़से के विचारों को सामने लाना चाहता हूँ hmm. कोई स्टार आते ही वो कन्फ्यूशन हो जाएगा पहले स्टार नज़र आएगा hmm. फिर स्टार वो रोल निभाते हुए नजर आएगा तो मैंने सोच लिया था कि तय किया कि थिएटर के एक्टर लूँगा जो ज़्यादा परिचित ना हो जी उसी को कास्ट करूँगा तो दीपक अंतानी जी जो हैं ये गांधी जी के रोल खेला के अच्छा ये भी था मेरे जहन में कि गांधी जी एक गुजराती एक्टर लूँगा right. और गोडसे के लिए मराठी एक्टर लूँगा मैं ताकि उनके बोलने के लहजे में वो नेचुरल फ्लेवर आ जाएगा हुँ, हुँ. उनके रीजन उनके लैंग्वेज का जी. तो इनके साथ में हुए काफ़ी चला लोगों से मिला तो कहीं से इनक्रेजमेंट नहीं आया मुझे मिला नहीं कहीं से फिर एनी anyway, वे हमारे दोस्त हैं रहमान सर हैं जिनकी मैं इज़्ज़त भी करता हूँ मेरे साथ दो पिक्चर तीन पिक्चर कर चुके हैं हम साथ में तो मैंने उनसे बताया कि ऐसे आइडिया पे काम कर रहा हूँ तो रहमान जी ने इमीजिएटली कहा नहीं ये करना चाहिए अच्छा आइडिया आपका नेक आइडिया है मैं आपके साथ हूँ क्योंकि रहमान जी साथ में हैं तो ये फिल्म बनी है अगर ये साथ ना होते तो ये फिल्म शायद क्या बात है क्या बात है बिकॉज इनके आते ही एक ही स्टार था हमारे पास रहमान जी इनके आते ही जो है फिर धीरे धीरे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने आगे आगे बढ़े एंड uh, ये सिलसिला शुरू हुआ ये इंडस्ट्री ऐसा है शिकायत नहीं है लेकिन दुनिया जैसे ही है चढ़ते सूरज को ही सलाम, सलाम करते हैं नमस्कार करते हैं मैं आठ नौ साल से मैंने कोई फिल्म मेरी थिएटर पे आई नहीं जी तो ये ऐसी दुनिया में एक शख्स हैं रहमान जी मैं इसलिए दर्ज करना चाहता हूँ हर जगह जो टैलेंट कंटेंट ईमानदारी सिंसेरिटी का हाथ थाम लेते हैं हुँ, हुँ. तो रहमान जी ने वैसे ही स्टार्ट लिया कि बोला नए लोग कोई बात नहीं एक और बात भी कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे छोटी सी बजट फिल्म है ये लेकिन म्यूज़िक में गाने दो गाने हैं दोनों गांधी जी के प्रिय भजन हैं रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जनते तेने कहिए बैकग्राउंड म्यूज़िक रहमान जी फिल्म जो करते हैं वो फिल्म को टोटेलिटी से अपना लेते हैं उसके साथ मर्ज हो जाते हैं इमोशनली मर्ज हो जाते हैं और हर पहलू के साथ इंसाफ करना चाहते हैं वो तो इन्होंने जी जान से इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया ट्रैक बनाया है चार देशों में जाकर बोडापेस्ट से भी ट्रैक बनाया इन्होंने वियना में किया है फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा जो है बाहर उसके साथ में दुबई में कई जगह कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बजट नहीं थी लेकिन इन्होंने किया ये और ये फिल्म करते हुए ये बड़े इंटरनेशनल कंपोज़र हैं हम इनको क्या फीस दे पाएंगे तो विनम्रता के साथ जो कर पाए ये मान के चलिए कि एक तरह से फ्री उन्होंने मेरे लिए पिक्चर किया है रहमान जी ने तभी इस तरह की फिल्म बन सकती है जब दिल से लोग जुड़े दिल से सहारा करें सपोर्ट करें तो नए विचार नई बातें आप लोगों के सामने लोगों के सामने आ सकती है थैंक यू थैंक यू सो मच सर एंड आई थिंक वो कन्विक्शन वो जो सच्चाई आपकी बातों में है आपकी फिल्म मेकिंग के अंदाज में है आई थिंक उसको भी सर uh, ने कंसिडर किया होगा और वो ऑन बोर्ड राइट बिल्कुल 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 और हमने एक बात और है कि फिल्म जो है जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट सिर्फ सच्चाई थी ईमानदारी थी तो हमने ये ध्यान रखा है गांधी जी और गोडसे जी दोनों की बातों को बिना किसी पक्षपात के एज इट इज उनके विचारों को पर्दे पे रखा है हमने Uh, कहीं भी मैंने किसी तरह तरफ पार्शल नहीं किया ये पहले तय कर लिया था कि वो काम नहीं करना है दोनों को तो वो वो चीज़ हमने रखी है तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा ये फिल्म जब भी देखें ज़रूर देखें बिना किसी माइंड बनाए हुए ओपन माइंड के साथ देखेंगे और जिन लोगों ने देखी है इवन सेंसर भी फिल्म में सेंसर दो बार हुई और इतने खुश हुए थे हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट दिया सेंसर वालों ने और ये भी सलाह दिया उन्होंने कि ये फिल्म स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जानी चाहिए फ़िल्म सो दैट इज़ वॉट आई वुड से कॉन्प्ट भी सर बहुत अलग है और वो विचारधाराओं की लड़ाई है ऑफ कोर्स एक एक डायलॉग शुरू हुआ है इसके साथ मैं कहूँगा डिबेट से ज़्यादा बढ़ के एक डायलॉग शुरू हुआ है जहाँ पे हर कोई अपनी बात रख रहा है कि मैं किससे रिलेट करता हूँ कैसे करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है डायलॉग बहुत ज़रूरी है वरना हमारे सोसाइटी में एक बेचैनी है इम्पेशन है लोग अभी जैसे ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है ट्रेलर का पर्पज़ क्या होता है कि लोगों में एक उत्सुकता पैदा करें एक जजासा हो कि भाई क्या होगी पिक्चर उसी से लोगों ने राय बनाना शुरू कर दिया कि हमने शायद गांधी जी को रन डाउन किया है या गोडसे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कुछ शहरों में मेरे पुतले जलाए गए हैं इसके अगेंस्ट में लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि जहाँ चलेगी थिएटर जला देंगे ये सब ठीक है और दावा करते हैं कि वो गांधी जी के भक्त हैं ये मुझे बड़ा अजीब लगता है गांधी जी को मानने वाले ये कह रहे हैं कि थिएटर को आग लगा देंगे आदमी को जला देंगे लाठी वाठी लेके सड़क पर उतर आए हैं तो अजीब लगता है मुझे तो मैं उनसे भी ये विनम्र वाटर से निवेदन करूँगा उनसे कि कृपा करके फिल्म तो देखें फिल्म देखने के बाद में वो शांत हो जाएंगे और मुझे यकीन है वो खुश भी हो जाएंगे पिक्चर देखकर। sure, sure 26 इज द मूवी रिलीजे आपके नजदीकी सिनेमा घर में आप देखेंगे I'm sure, इसको हार्ड सेलिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे ऑन दैट नोट टू इनवाइट ऑन सर ने कहा रहमान जी से आग्रह करूंगा कृपा करके वो मंच पे आए और मेरे एक ही स्टार हैं हैं रहमान जी और मेरे नहीं पूरे विश्व में Music में म्यूजिक भी वही एक स्टार स्टार बहुत बड़े हैं। लेडीज एंड मिस्टर ए गुड टू यू सबसे ज्यादा व्हेन यू टोल्ड अबाउट दिस फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध क्या क्या था वो व्हाट वाज इट दैट अपील टू यू I was thinking this man is courageous. Yeah. <laughs> His courage is, uh, and he's you. always been truthful. He wanted to go on the edge. Right. He doesn't compromise. Right. Then when I saw the movie, There's so many questions, so many narratives about both of them. Yeah. Yeah. And I think he's dealt with it in a very, very intelligent way. He's gone back, reimagined history. Right. And so I thought that's very interesting. Mm -hmm. well, is it audible? Because sound <laughs> yes. so, of course, I did I? sorry, Sorry, uh, thank you. Please continue, sir. Yeah. So. That was very interesting. I knew that nothing is safe here. Right. This is a very trial by fire movie. Right. And in today's time, I think we need to people like him has to bring back the charm and f storytelling narratives and everything. I felt like so. I believe in India. I believe in humanity. I believe so much in India, the people of India. And uh, so I think for me, this is a very very important film. Right. Yeah. Thank you. Thank you. Were you at any point in, were you, were you skeptical about it?

रिस्पेक्ट करता हूँ रहमान जी का टैलेंट का वगैरह मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ जो भी डायरेक्टर हो मैं तो मेरा सौभाग्य रहा मैं इनसे तो तीन फिल्म ऐसा डायरेक्टर कर चुका हूँ एक फिल्म ऐसा प्रोड्यूसर भी किया है चार फिल्म का एक्सपीरियंस है ये फ़िल्म को अपना लेते हैं और ये खुश होते नहीं हैं कभी मैं बोलूँगा ठीक है रहमान अच्छे हैं करके लेकिन ये उसी पर लगे रहेंगे उसी पर सोचते रहेंगे रहमान जी के लिए जो काम है ये रोज़ी रोटी नहीं है इबादत है उनके लिए प्रेयर है ये। तो वो काम करने का तरीका भी वैसे है ऐसा पवित्र माहौल बना के काम करते हैं धूप जला लेते हैं धूप जलाने के बाद में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो डिवाइन पावर के साथ होता है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेकेंडरी है तो सुन लिया एक बार देन ही ट्राइज टू सेटिस्फाई विद इन हिमसेल्फ जो भी ईश्वर कहो अल्लाह कहो जो उन्होंने इनको वरदान दिया है जो गुण दिया है उसके साथ इनको इंसाफ करना है और उस पर लग जाते हैं वो तो एक बार कहानी सुन लिया कैरेक्टर सुन लिया फिर कोई ख़ास ब्रीफिंग वीफिंग की ज़रूरत नहीं है उनका नॉलेज इतना ज़्यादा है जितना हमने सोचा है उससे वो ज़्यादा ही देंगे और उसके बाद भी तृप्ति नहीं होती इनको <laughs> वो इसलिए वक्त लगता है रहमान जी के साथ काम करते हुए जो भी डायरेक्टर काम करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कल पिक्चर शूटिंग करना आज गाना दे देंगे उनको जब तक तसल्ली नहीं होगा वो उसको जमाते रहेंगे ठीक करते रहेंगे तो इज़ ऑनेस्ट टू इज़ वर्क

फिल्म मेकिंग और मतलब फिल्मों को बहुत बहुत खूबी से समझते हैं एंड ही इज़ लीडिंग दिस अमेजिंग प्रोडक्शन स्टूडियो इन द कंट्री और बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं और बनाते आए हैं वाशु भगनानी जी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए ले से जलमन यहाँ पे यू नो म्यूज़िक के साथ ये जो ये पार्टनरशिप है जो कलेब्रेशन है सो वेलकम थैंक यू सो मच एंड वट वुड यू लाइक टू से सर ए आर रहमान साहब राजकुमार संतोषी साहब एंड आप यहाँ म्यूज़िक के जस्ट uh, म्यूज़िक के साथ जुड़ें देखिए म्यूजिक के साथ तो मेरा बेटा जुड़ा हुआ है लेकिन दो आदमी के साथ मैं मैं खड़ा हूं, इससे बड़ा काम हो नहीं सकता जी। मैं इस इस कंट्री में में और फिल्म लैंड सिर्फ पैशन के लिए बड़ा हुआ हूँ आगे भी वैसे ही करता रहूंगा बस एक मौका मिलेगा आज नहीं कर राज आज जी के साथ पिक्चर बनाएंगे और इनके साथ एक म्यूजिक करेंगे काम सो? हो गया क्या बात है जो भी फिल्म करेंगे देख रहे हो आप अनाउंसमेंट announcement पे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे यही होता है व्हेन यू विद लेजेंड्स यार ऐसे थोड़ी होता है एंड नाउ ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज और बोलना पड़ेगा लाइक फादर लाइक सन द वेरी हैंडसम जैकी एक्टर प्रोड्यूसर और म्यूजिक uh, को जिस हिसाब से ये आगे लेके जा रहे जस्ट म्यूजिक यू नो आलिया टाइगर एंड और भी बड़े बड़े सारे नाम हमने कई बार इसके बारे में बातचीत की है टूडे वेन आर स्टैंडिंग हियर ऑफकोर्स विथ योर फादर आई वुड से

जब मैं जिम में था हम मुकाबला उर्वशी सुन रहे थे और 20 साल पुराना गाना और ऐसा लग रहा था कि आज के गाने से भी ज़्यादा लेटेस्ट लगता है दैट्स हिम और राज जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा मैं इनके साथ एक फिल्म करने वाला था एज एन एक्टर ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स बट ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री नो वन नोज दिस इन अंदाज अपना अपना आमिर सर ने जो जो किया है वो एक्चुअली बिकॉज आई वॉज अ फिल्म विथ हिम वो एक एक सीन एक्ट करके दिखाते हैं हमको सिर्फ एज एन एक्टर इनको कॉपी करना है एंड दैट्स वॉट एवरी वन इज डन इन ऑल इज फिल्म सो इट्स इट्स अ ऑनर टू बी स्टैंडिंग सर विद ऑल थ्री ऑफ फेवर थैंक यू एंड यस थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वाशु जी एंड जैकी हमारे फिल्म के साथ जुड़ गए हैं और मेरा पूरा विश्वास है गाने दो ही हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह है इसको लोगों तक बहुत सही ढंग से पहुंचाएंगे पूरी इज्जत के साथ में इस पर मुझे कोई चक नहीं कोई संदेह नहीं सर मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा बिकॉज ये ये मोमेंट उन लोगों के लिए भी बड़ा खास है जो आपके कास्ट मेंबर्स हैं मैं चाहूंगा आप ही अगर उनको यहाँ पे इनवाइट करें इट्स इट्स अ बिग डे फॉर एवरीबॉडी थैंक यू सबसे पहले मैं दीपक अंतानी जी को चाहूंगा कि वो मंच पे आए दीपक अंतानी जी महात्मा गांधी जी का रोल किया है इनका लिमका रिकॉर्ड में है कि 500 बार ये गांधी जी प्ले कर चुके हैं प्ले स्टेज में सीरियल में एड में हर जगह पे गांधी जी को जिया है और हमारी फिल्म में भी गांधी जी को आपके सामने ले आएंगे रूबरू दीपक सर वेलकम बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था बाहर आप परिवार के साथ बैठे हुए थे ऑफकोर्स वी वो टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि कुछ एक स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं और पूरी इंडस्ट्री से बहुत सारा प्यार मिल रहा है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप जिन्होंने भी देखी है उन्होंने बहुत ही फिल्म को सराहा है ही इज अ मैजिशियन उन्होंने फिल्म में कोई इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कुछ चीज़ बाकी नहीं रखी है और उसका फल हम सबको मिल रहा है सब हमें बोल रहे हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है यू आर वेरी गुड यू आर लुकिंग वेरी गुड बट एक्चुअली इट इज़ ऑल क्रेडिट गोज टू संतोषी सर उन्होंने उसको यू नो इज़ द शिप के कप्तान हैं और उन्होंने ये पूरा वी आर ओनली द पार्ट ऑफ इट और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ किसी भी एक्टर का किसी भी कलाकार का एक सपना होता है कि लेजेंडरी डायरेक्टर लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करना मिले और आज मैं ये महानुभाव के साथ खड़ा हूँ इससे ज़्यादा भगवान से क्या मांग सकते हैं ये भगवान की कृपा है कि आज मैं यहाँ हूँ और आप लोगों को फिल्म हंड्रेड एंड वन परसेंट अच्छी लगेगी एक बार नहीं बार बार देखेंगे ये मेरा दावा है थैंक यू थैंक यू दीपक जी अब मैं चिनमयी मांडेकर जिन्होंने गोड़से को जिंदा किया है उनको मंच पर बुला रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं ये शिवाजी का रोल भी किया है बहुत ही कन्विंसिंगली और बहुत पसंद करते हैं और कश्मीर फाइल्स में बिट्टा कराटे बिट्टा कराटे एम राइट हाँ तो उनका भी रोल किया उसमें भी बहुत तारीफ़ हुई इनकी और यहाँ पे गोड़से जी को ज़िंदा किया है इन्होंने जीवित किया है चिनमई प्लीज फ्यू वर्ड्स एक्चुअली ये मेरे लिए एक टोटल फैन बॉय मोमेंट है अ स्मॉल कन्फेशन मैं जब अभी घर से निकल रहा था माई वाइफ टोल्ड मी इफ एयर रहमान सर इज़ कमिंग प्लीज़ गेट हिज ऑटोग्राफ आई वांट टू फ्रेम इट एंड पुट इट ऑन माय बॉल बिकॉज फॉर पास्ट 20 इयर्स देर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे इन आवर लाइफ एंड आई विल से इट विद ग्रेट ऑनर एंड ग्रेट प्लेजर वैन वी हैविन हर्ड टू साउंड इन आर लाइफ वन इज लता मंगेशकर and another is ar rahman sir's music i don't think there is any indian who has you know a day goes or maybe a week goes in your life without hearing at least one song somewhere you you just come across ar rahman sir's music and uh, i was greatly honored when Raji told me during the shoot that uh, ar rahman sir will be doing the music for our film and uh,

की आप फिल्म देख लीजिए ये फिल्म देखने के बाद आपको कोई भी शिकवा शिकायत नहीं रहेगी एज इट हॅज बीन विथ ऑल द राजकुमार संतोषी फिल्म यू सो मच यू सो मच रिक्वेस्ट लाइन सगळ्यांना एकच विनंती आहे की हा चित्रपट जेव्हा चित्रपट गृहात येईल सव्वीस जानेवारीला तेव्हा अगदी आवर्जून परिवाराला घेऊन एकटे जाऊ नका सगळ्यांना घेऊन बरोबर जा आणि आनंदाने फिल्म बघा Thank you so much. अकेले नहीं जाना जाना है है बिल्कुल भी सबके साथ जाना है, पूरे परिवार के साथ जाना है चाहेंगे सर ने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज वाले आपके किरदार की बात की जिसको आपने बखूबी निभाया। उसके बाद कश्मीर फाइल्स में जो आपने किया यहाँ पे इज इट जस्ट द चैलेंजेस दैट यू नो अपील टू यू क्या है वो बिकॉज हर किरदार बहुत अलग है सर बात ऐसी है ना कि...

जोरदार तालियां हो जाएं। जाए कंग्रेचुलेशन जो हमने स्क्रीन पे देखा दैट अनबिलीवेबल यू नो आप सच सच बताओ सर को मैं कह देता हूं थोड़ा आपसे दूरी हो जाए कोई चिंता मत करना आप प्लीज <laughs> <laughs> मुझे बताओ फॉर दिस दिस काइंड ऑफ रोल बिकॉज दिस इज प्रिटी अनकन्वेंशनल आप एक लव स्टोरी भी कर सकते थे mm -hmm. है ना सो वॉट वॉज दैट वन रीजन कि आपको लगा नहीं मुझे शुरुआत इसी से करनी है um, I think the story in

Yes, and it's yes, it's definitely. amazing so congratulations thank on you, this thank you. on that note ladies and gentlemen I please that. i <laughs> get, get what <laughs> he wants मैं एक बात कहना चाहूँगा. सबसे पहले तो जब इन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस फिल्म में ये रोल वो करना चाहेंगी और मुझसे कहा कि ऑडिशन चाहे तो ऑडिशन ले लो मैं ऑडिशन लेता नहीं हूँ किसी एक्टर का आज तक ऑडिशन नहीं लिया है मैंने देख लेता हूँ बात करते हुए मुझे समझ में आ जाता है ये मेहनत करेगा सिंसियर है या नहीं ये एक्टिंग करने आया है अपनी इमोशंस को अभ्यक्त करने आया है या शाहरुख खान सलमान खान बनने आया है तो मैं वो देख ला था एक्टर है तो खुद एक कॉन्फिडेंस है कि हम करा भी लेंगे उससे लेकिन क्या बाप और बेटी मैं वो कन्फ्यूशन नहीं चाहता था सेट के ऊपर कल मैं किसी को डांट दिया ये ये घर में जाके शिकायत करेगी माँ से रात का खाना बंद तो क्या करें तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि यार किसी और फिल्म में कर लें right. लेकिन इनकी ये इच्छा देख मैं इम्प्रेस हुआ कि ये फिल्म में कोई लड़की का इंपॉर्टेंस नहीं है मेन कैरेक्टर जो है वो गांधी गोडसे पे बना रहा हूँ मैं तो फिर भी ये बता रही है कि ऐसे फिल्म में उसको शुरुआत करनी है तो उसके बाद की मैंने कदर की मैंने कहा चलो कर लो ए बी फिल्म में एक डिब था लड़का लड़की डिब और रहमान जी को मैंने बताया यार मेरी बेटी इसमें डेब्यू कर रही है एक बहुत खूबसूरत गाना दे देना और मेरी तो यह है कि वो दिल है छोटा सा छोटी सी आशा ऐसा कोई गाना देना कि जो सदा बाहर गाना हो इन्होंने भी ऐसा एक ट्यून बनाया ऐसा लाजवाब गाना बनाया इन्होंने कि हम बोले फेंटास्टिक मैं मेरी वाइफ तनीषा एवरीबडी वेरी वेरी हैप्पी एडिट करते हुए पिक्चर शूट करते हुए मुझे लगा कि नहीं मैं कहीं बेईमानी हो जाएगी मैं गांधी गोड से एक युद्ध बना रहा हूँ विचारों का युद्ध इसमें ये गाना करेक्ट जाता नहीं है इट्स नॉट वर्किंग तो बिल्कुल सोचा नहीं इमोशंस को साइड में कर दिया खाना घर में बंद हो जा बंद हो जाने दो तो वगैरह बेटी नाराज़ हो तो नाराज़ हो जाने दो काम के साथ बेईमानी नहीं करना है तो मैंने तो गाना काट दिया तो रहमान जी को पता चलो क्या वो गाने का फाइनल रिकॉर्डिंग है मैंने कहा सर वो गाना मैंने निकाल दिया है क्योंकि स्टोरी के साथ नहीं जा रहा है करके ये हैरान हुए बोला अच्छा लेकिन गुड जो नहीं जाए वो काम का फोर्स क्यों करना गाना तो ये भी एग्री हो गए तो ये एक बैक स्टोरी है ये इसका थैंक यू सो मच वो भी शेयर कर दे रहा हूँ सर खाना वाना बंद नहीं होने वाला मैम और ज़्यादा अभी आपको परोसने वाली हैं है ना प्रोड्यूसर साहिबा भी है मुझे पता लगा है ऐसा ऑन दैट नोट अनुज सैनी लेस इन जर्मन लेट्स हियर इट फॉर दिस दिस वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर जो कि हमारे साथ हैं यहाँ पे देखो बिल्कुल सादगी के साथ आ गए मुझे पता लगा है सर ने बहुत सारी तारीफ आपकी ऑलरेडी की हुई है दैट uh, बड़ा शरीफ अच्छा लड़का है थोड़ा सा मुझे बताओ सर के बारे में हाउ वॉज इट ऑन द सेट्स और फिर इस गाने की बात करेंगे मिल गया देखो सेट्स पे तो जैसे कि जाकी ने अभी बोला कि सर हर चीज़ एक्ट करके बताते हैं हर चीज़ इनाक्ट करके बताते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हालांकि बहुत डिफिकल्ट था हम नाइनटीन फोर्टीज की जिंदगी जी रहे थे अभी हम 2023 हज़ार तेईस में okay. बट सर के समझाने का तरीका इतना आसान था कि इतनी आसानी से हो गया कि हमको पता भी नहीं चला okay. मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में जन्म मेरे को मेरे फादर ने दिया है फिल्म इंडस्ट्री में जन्म मेरे को राज सर ने दिया थैंक यू राज सर थैंक यू सो मच सर वुड यू लाइक टू एड दैट कुछ बस मेहनत करो ईमानदारी के साथ रहो काम करो एंड बी ट्रू टू योर कॉन्शियंस मैं यही कहूँगा कि अपने जो अंदर के जो ज़मीर है उसको जिंदा रखो और ह्यूमिलिटी के साथ काम करते रहो वक्त मुस्कराएगा तकदीर बनेगी तुम्हारी थैंक वैल हम सब बात कर रहे हैं कैसे लेजेंड्स हमारे साथ जो यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं ऑफ़ कोर्स द राइटर और जिनके ड्रामा से ही ये आगे बढ़ी है कहानी असगर वजाहत साहब हमारे साथ हैं एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाए प्लीज़ फॉर द जेंटलमैन ही थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए सर ये ये जो कारवा अब एकदम इतना यू you नो know, सैलाब लेके आने वाला है बॉक्स ऑफिस पे 26 जनवरी को क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर देखिए राज को मैंने ये जो अपना नाटक दिया पढ़ने के लिए तो ये दरअसल मैं ये समझ रहा था कि सिर्फ इनके पढ़ने के लिए है इसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बन सकती कोई फिल्म नहीं बन सकती लेकिन इस चैलेंज को इस फिल्म बनाने के चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया और मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि ऐसे सब्जेक्ट पर ये फ़िल्म बनाने का फ़ैसला कैसे कर रहे हैं दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं हम एक इतिहास क्रिएट कर रहे हैं हिस्ट्री बना रहे हैं क्योंकि इस तरह की फिल्म कभी बनी नहीं है इतिहास पर फिल्में बनी हैं हिस्ट्री पर बनी हैं हिस्ट्री और इमेजिनेशन को मिला के फिल्में बनी हैं लेकिन काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री के ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है अब तक ये काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री ये आभासी इतिहास के ऊपर जो फिल्म है ये पहली फिल्म होगी तो ये एक तरह से हम सब मिल करके हमारी कोशिश जो है वो यही है कि एक ऐसा काम हो कि जो एक मील का पत्थर बन जाए बहुत बहुत धन्यवाद बने बिल्कुल बनेगा बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सब शेयर करने के लिए हमारे साथ मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल हैं सो इट्स ओवर टू द वंडरफुल जी संतोषी सर संतोषी सर कहाँ पे जी इधर भावना नव भारत आपकी सिनेमा की बात करें तो मुझे आप आप दोनों की जो क्रिएटिविटी है उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी वो थी शहीद भगत सिंह और उसमें जो आपने जो आपने और दोनों ने मिलकर जो कमाल किया था देश मेरे बहुत से ऐसे गाने थे मुझे लगता है सिर्फ एक गाना रंगदे बसंती माही वो शायद इन्होंने एक पॉपुलर सॉन्ग को अपने तरह से किया था लेकिन इस फिल्म में जो दोनों गाने हैं दोनों ऑलरेडी बच्चा बच्चा देश का जानता है तो ऐसे गानों को बनाने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि कि जो ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं उनको बनाने में आप दोनों से सवाल जी मैं ये कहूँगा जैसे मैंने कहा ये दो गाने तो रहमान जी ने कहा ये दोनों गाने इतने पॉपुलर हैं और लोगों के मन में बसे हैं बसा हुआ है तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते अब रही रहमान जी की कारीगरी जादूगरी जैसे आप कहते हैं वो है अरेंजमेंट रिकॉर्डिंग उसी पे उन्होंने ट्यून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जो मेलेडी है वो सालों से जो लोगों के मन बसा हुआ है उसी पर रखते हुए जो पिरोया है जो सरगम रखा है कोरस रखा है टू जस्ट एनहेंस और आज के युवा पीढ़ी को वो अपील कर सकें तो वो इन्होंने किया मेरे हिसाब से बाकी रहमान जी आप बोलिए I think sometimes you have to be true to because the it's a reimagined history. I felt changing the songs might take the orientation off. Mm. And also this is one of my favourite songs, Vaishnav Janata, because it's got a hidden message which it's a surface message but there's also a hidden message. Because some mystics say that God is hidden in compassion, God is hidden in kindness, God is hidden in all these things. And we imagine God to be something else, but He's hidden in this. And this is a spiritual secret, I see, I feel like, which will take years for us to understand. Mm -hmm. And so that song has that in it. Even in the tune and the and the meaning of that one. And this movie deserves that song. I feel like I felt like I didn't want I didn't have to change anything and do anything like that. What do you think? Thank you. Thank you. Thank you very much. You're this side. Hello, this is Asta from Awesome TV. And my question is to AR Rahman, sir. What kind of bond do you share with Rajkumar Santoshi, sir? And how did you get associated with the film and the music of it? A bond is uh, no, when I work with the director, always like each one is special. With him, I started in Pokhar, mm -hmm. and his storytelling when he tells us, narrates a story, no story is boring. Even the boring story could make it very interesting as narration. <laughs> so, we have to think twice. Uh, okay, anyway, so how we worked together and he, how he picked certain tunes how he stood by it yeah. I, he gained my respect on that one and then uh, even when Bhagat singh happened that was the first time i've used a philharmonic orchestra i went to london and i said i need to do the score in london and i've never done a you know symphonic score before he said whatever you want take it you'll do it so we went to you know where beatles recorded now uh, which studio that abbey road studios so we went there and recorded with uh, you know, James Horner's engineer, Simon Rhodes. Completely new. The whole experience actually elevated my knowledge of uh, orchestral music. So thanks to him. <laughs> and after that, we were supposed to do another movie, but it never happened. <laughs> and we came together on this. When he told me this and he played me a rough trailer, I was blown away. I said, oh my god. And uh, he had shot some parts of the movie before he came to me. RAJEEV side, side. इधर इधर राजी अभी एकदम शुरुआत में आपने कहा कि शुरुआत से ही आपके साथ इस फिल्म में कोई नहीं था लेकिन अब साथ काफी लोग हैं लेकिन साथ के अलावा पीछे भी लोग पड़े हैं पुतले जलाए जा रहे हैं अब खबर आ रही है कि आपको जान की धमकी भी मिल रही है आपने सुरक्षा भी मांगी है तो क्या इस पर क्या कहेंगे मतलब आपने सुरक्षा मांगी है वाकई में कहाँ से आपको जान की धमकी मिली है और सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है Uh, देखिए ऐसा है कि जो सच के रास्ते पे चलते हैं ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे खतरे भी होंगे और मैं जिन लोगों पे फिल्म बना रहा हूँ दोनों बहुत निडर रहे हैं गांधी जी भी सच बोलने से कभी कतराए नहीं निडर रहे हैं और गोडसे जी ने भी जो हमला किया गांधी जी के ऊपर फादर ऑफ़ द नेशन के ऊपर तो कितनी हिम्मत की बात है वो और सरेंडर हो गए ये जानने के बावजूद कि अंजाम क्या है कॉन्सिक्वेंस क्या है को सरेंडर भी किया क्योंकि अपने विचार लोगों के सामने रखना चाहते थे जब दो ऐसे शख्स के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ मैं डर जाऊँ मैं सहम जाऊँ तो मैं कैसे ईमानदारी कर पाऊँगा अब बात है ये जान की धमकी वगैरह तो मैं उसकी उतनी परवाह करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ के जो लोग हैं उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं प्रोटेक्शन लेना चाहिए बेवकूफ़ी होगी क्योंकि थ्रेट बहुत सीरियस है तो हमने रिक्वेस्ट किया है बॉम्बे पुलिस कमिश्नर से उन्होंने प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट किया है पुलिस साथ में रखे हैं मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ थैंक यू हेलो सर साइड अभिषेक शुक्ला फ्रॉम इंडिया टी सर आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि आ, ऐसे जो आपको अभी थर्ड्स मिल रहे हैं तो ऐसी कौन सी सारी चीज़ें बातें हैं जिसपे ये सारी आ, आ, आपको थर्ड्स मिल रहे हैं आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को दिख रहा है क्या दो सवाल मिक्स हो गए किसी के ज़ोर से बोलिए प्लीज़

और सभी एक मत से कहा उन्होंने राज्य इसको यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं और स्कूल कॉलेज में फिल्म दिखानी चाहिए तो ये बहुत बड़ी मतलब हमारी हाँ जी, आ, दे दे, जी। दे तो दे, नही नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल वही तो क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला हमें अब रहमान सर हाय हेलो ट्रस्टिंग फिल्म मेकर्स दैट्स अ प्रॉब्लम हेलो रहमान सर पीपल हैव स्टॉप्ड ट्रस्टिंग फिल्म मेकर्स बिकॉज़ फिल्म मेकर्स आर टेकिंग साइड्स Exactly, unfortunately. So he's the victim for that. Uh, <laughs> uh, Hello, Hello Rayman, Man, sir. I'm yeah. Hello. Yeah, yeah. Hello, sir. So, you know, this um, song that you just launched today, the uh, same song was also there in uh, Deepa Mehta's movie, and the Vijay only had made it. So, did that play in your mind at that time that, no, you know, because how the to make it The situation a different, is different, okay. and if you watch the movie, you'll understand what <laughs> it is doing in the movie. So there's a little dramatic scene after that. So I had to make the music and the arrangement according to that. But it was there in your mind that you have already made this song before. And no, you know. because I—it's uh, one of my favorite compositions. Yeah. Like you know, I love this composition. Okay. And it there's a story going along with the song right. no? it's right. a There's a dramatic story. And the, and the line of is so beautiful. As I told you, yeah. the line means so much to me. Right. All yeah. right. Thank you, sir. Hello, Raman, sir. Uh, yeah. Uh, uh, sir. Um, you have become uh, uh, extremely choosy when you are doing a hindi film nowadays when it comes to picking a hindi project and composing music for it so what is it that appeals to you not just for this movie but any hindi film that once in a while you tell yourself this is the project i would associate my name with see there there's a paradigm shift happened um, makers like him we sit there he decides what's the song he st stands by it if he doesn't like it, i do another song. i do like 10 songs for him. it's fine. and if he likes one out of the nine or 10, but now it's more about power. <laughs> it's more about power like i can choose between 10 composers. i can get one of the stuff, which takes the integrity of the music. it becomes more a marketing tool how much views are happening. so i felt like we're just discussing that we were watching uh, the video of that gentleman, which uh, opinias, opinias' uh, assistant, opikoli yeah, it's such Shikari, a Shikari such Shikari. a beautiful song which so unusual. I said, if, can anybody sell this melody? But it's so beautiful because there's no manipulations in it. The composer has been led to do something beautiful, and there's a sense of naturality and organic, you know, where the music can go, where your thoughts. So now you're forced to make certain kind of music if you need to do music. And uh, so not everybody. There's some beautiful stuff happening Marathi and Bengali and Tamil and Malayalam, Telugu and all the stuff. But I feel like uh, working like people like him who understand the sensibilities, and the respect he gives to every note I played, and the the way he gives feedback is really amazing, and that you know inspires you to do your best. So as you said, we recorded, and I just went back. So no, no, we need an acoustic orchestra, and then went back, and he said, no, you finished right now, no, I'm trying another another idea. I'm going to give it to you. So it, not because of the, it's because of his. संतोषी सर uh, एक सवाल आपसे भी है डे uh, वन से uh, आपने इस फिल्म के बारे में कहा कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्लोज टू यू आर्ट इनफैक्ट शायद ये सब्जेक्ट आपको इतना पसंद आया इसी वजह से नौ साल के बाद आप ये आप uh, थिएट्रिकल रिलीज रिलीजा रहे हो नाउ इन हाइन्साइट जब आप देख रहे हो पठान ने ऐसा यूफोरिया क्रिएट किया है कि हर जगह पे सिर्फ उसकी एडवांस बुकिंग की चर्चा हो रही है और उसके बॉक्स बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में बातें हो रही है तो इन हाइंसाइट नाउ विद जस्ट टू डेज लेफ्ट टू रिलीज़ क्या आपको लगता है कि शायद एक हफ्ता दो हफ्ता रुक के आपको शायद फिल्म रिलीज़ करना चाहिए था नहीं ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने पहले सोचा था सेकेंड अक्टूबर को फिल्म रिलीज करेंगे गांधी जयंती के दिन तो पोस्ट प्रोडक्शन वक्त में काफ़ी वक्त लग रहा था हमें तो उसके बाद हमने इमीडिएटली डिसाइड किया 26 जनवरी सही डेट रहेगा क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी पे गोली चलाई गई थी तो इसी हफ्ते में वो भी घटना हुई थी तो उसके बाद में हमने फिर कुछ सोचा नहीं और रही बात पठान की वो बहुत बड़े स्टार हैं शाहरुख खान बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड मेहनती कलाकार हैं वो और यशराज बहुत बड़ा बैनर है तो मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ है uh, Shreya uh, you didn't sorry. recognize the voice. Rehman. <laughs> <laughs> yeah. No, it's written here. Rehman, uh, oh, one question. Uh, just now Santoshiji told us that he informed us that uh, one of that romantic song has been deleted, or it, it is there. It's not there in the film, right. rather So, what do you have to say? Hmm. Will it be used later on by him in some film? And how, what did you feel like? You no, I, I think it was right because you uh, would have made it like a conventional film coming a, a love song, and, and it's not about the love story. It's about this, these two icons. Yeah. So y you d you didn't feel bad? No, I never feel bad. The <laughs> film <laughs> is more important. <laughs> what if people walk off on the love story and come back? That's even more humiliating. I think the director knows when how to engage an audience. So we always trust. Right? and just okay. now you also said ki filmmakers are taking side what exactly did you mean could you elaborate <laughs> you are cheeky <laughs> 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 santoshi ji so it no, it, yeah. it's such an innocent uh, voice you're asking me that <laughs> 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 santoshi -ji, it, ah. it needs a, a muscle pie, you know to book uh,

नैना बिजली जी एंड दीपक शर्मा जी सारे लोग जुड़ गए थे पूरे विश्वास के साथ तो अच्छा रिलीज करेंगे जो भी करेंगे मुझे बिल्कुल भरोसा उनके ऊपर एक्चुअली uh, uh, जैसे जैसे असाइनमेंट मिलते जाते हैं और जैसे जैसे करता जाता हूँ वैसे वैसे इनर एनर्जी इनर ऊर्जा वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और इसीलिए शायद आ, मैं इतना क्वालिफाई हुआ कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे चूज किया जैसे चिन्मय जी ने बताया कि कैरेक्टर आपको चुनता है आपको कैरेक्टर चुनने की जरूरत नहीं है संतोष जी जी आई गोट टू क्वेश्चन था चिन्मय थे लोग भी जो मैंने भी पढ़ा कि हम मैं शायद किसी राजकुमार राव को कंसीडर कर रहा हूँ बहुत अच्छे कलाकार हैं राजकुमार राव इस पर कोई शक नहीं है लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तय करते ही ये फिल्म बनानी है मैंने सोच लिया था कोई भी इस्टेब्लिश एक्टर या स्टार को नहीं लूँगा नए लोगों को ही लूँगा तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने इनका जिक्र किया तो जब मुझसे मिले थे पूरी दाढ़ी ऊँची वगैरह थी कोई रोल कर रहे थे शायद शिवाजी कर रहे थे पता नहीं कौन सा कर रहे थे बट मैं मुझे इनकी आँखें दिखाई दी दाढ़ी मुछी के अलावा उनकी आंखें दिखाई दी बात करते हुए एक ईमानदारी लगी उनके बाद में सिंसियरिटी लगी कि अच्छा काम करना चाहते हैं अब वही मैं आर्टिस्ट में ढूंढता हूँ ये बाद में मुझे पता चला कि एन के स्टूडेंट है एन का मैं बहुत सम्मान करता हूँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर दिए एन ने अब बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और आप लोग सब देख चुके हैं मैं क्या कहूँगा मेरे लिए तो यह है कि मेरा सौभाग्य है कि दीपक अंतानी जी एंड चिन्मय ये दो ऐसे एक्टर और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म पैंडमिक के टाइम पे बनाई इसीलिए दो साल लग गए हमको पैंडमिक के टाइम पे सारे प्रिकॉशन लेकर धीरे धीरे बनाते गए और फाइनेंस भी इकट्ठे करे थे साथ साथ में पैसे भी जोड़ते जा रहे थे कोई मिल जाए कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे फिर चार दिन की शूटिंग उस तरह से किया तो सारे आर्टिस्ट टेक्नीशियन इस फिल्म का पूरा सहयोग दिया तभी ये फिल्म कम्प्लीट हो पाई है मैं सबके लिए दिल से थैंक्स कहूँगा शुक्रगुजार हूँ सबके लिए चिन्मय जी आपकी तरफ बर्थडे मतलब इतिहास में वैसे भी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर uh, है गोर्सेजी का तो जब आपके पास ये भूमिका आई तो आपने क्या सोचकर हाँ कही फिल्म के लिए कि ये फिल्म राजकुमार संतोषी सर की फिल्म है <laughs> मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा हाउ डिड यू हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द रोल देन वेल द स्क्रिप्ट वाज द फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रेफरेंस मटेरियल्स लाइक नाथूराम गोडसे स्पीच एंड अ फ्यू बुक्स दैट हैव बीन रिटन बट मेन मेन रेफरेंस पॉइंट गाइड सर संतोषी जी मेरा एक सवाल आपसे है लेकिन मैं भी पूछना चाहती हूँ गांधी जी के बारे में सब जानते हैं गोडसे जी के विचारधारा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं उनको एक्सट्रीम में प्यार मिला है जो उनके जो उनके समर्थक हैं वो उनके लिए बिल्कुल मरने के लिए उतारू हो जाए ऐसे फैन है लेकिन साथ में जो नफ़रत करते हैं वो भी उतनी ज़्यादा अगर आप एक इसको अपने किरदार के रूप में या अपने मेन प्रोटेक्टि के रूप में देखते हैं तो उसमें आप क्या पाते हैं आ, मतलब अच्छाई या बुराई बैलेंस रूप में पाते हैं या फिर आप भी एक्सट्रीम में उनको हैं। देखिए ये फिल्म जैसे मैंने कहा शुरुआत की मैंने बहुत क्लियर था मुझे कि मैं और बनाते हुए पढ़ते हुए जानते हुए ये मैं कह सकता हूँ गांधी से आपने कहा गांधी जी के लिए भी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करते हैं गांधी जी को प्रणाम करते हैं याद करते हैं कोट करते हैं उतने ही बहुत सारे ऐसे लोग भी जो गांधी जी को बुरा भला कहते हैं नफरत करते हैं गांधी जी से अब नहीं तब भी आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी गोडसे से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर गांधी जी की जान लेना चाहते थे ऐसा नहीं है तो फिल्म बनाते ये बात जो स्क्रिप्ट लिखते हुए मैं समझा कि मैं यही कहूँगा कि गांधी जी अच्छे इंसान थे भगवान तो नहीं थे इंसान ही थे इंसान में खूबियाँ भी होती है खामियाँ भी होती है उसी तरह से गोड़से भी जो है वो शैतान नहीं था वो भी इंसान है तो शॉर्टकमिंग स्ट्रेंथ हर इंसान में होता है तो उनको समझ दे जैसे आपने कहा गांधी जी को सब समझते हैं मुझे नहीं लगता है जैसे सड़क पे जो भोपाल में उतर आए लाठी और आग लेके कर गए जलाने की बात कर रहे हैं गांधी जी का कोट कर रहे हैं कहाँ समझते हैं गांधी जी को गांधी जी को नहीं समझते हैं तो ये फिल्म में मुझे ऐसा लगता है एक प्रयास जो हमने किया है गांधी जी को भी बेहतर समझ पाएंगे जैसे भगत सिंह में एक डायलॉग लिखा था भगत सिंह के लिए आंखें मूंद कर किसी के पीछे चलना भी एक गुलामी है यू हैव टू सी इट राइट परस्पेक्टिव तभी उसको एक्सेप्ट करो वो सही एक्सेप्ट accept, एक्सेप्टेंस है रिस्पेक्ट भी सही रिस्पेक्ट है जानकर अनजाने में सब चार लोग जिंदाबाद जिंदाबाद बोले मैं भी बोल जाऊँ जिंदाबाद चार लोगों के सुनकर वो रियल जिंदाबाद नहीं है वो तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द पर्सन तो इस फिल्म के बाद में गांधी जी को भी लोग बेहतर समझेंगे जो कुछ बातें नहीं जानते होंगे वो भी जान लेंगे वो और घोड़से को भी जान पाएंगे कि भी उसने क्यों किया। किंडरफुल इन द सॉन्ग स्पेशली दे यू लिव सिंग नो हाउ यू प्रिपेयर फॉर दैट पोर्सन एंड कितने

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है पहली फिल्म में रहमान जी के सॉन्ग को लिप सिंग exactly. करने का मौका yeah. मिला yeah. है इससे yeah. बड़ी बात नहीं हो सकती है <laughs> तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा फादर मैंने एक अच्छा एक ड्यूटी निभाया है बेटी के लिए कि वो उसको रहमान जी के गाने पर oh, oh, सिंग, सिंग oh, करने का मौका मिला रहमान साहब एंड राजकुमार संतोषी जी सर महात्मा गांधी जी वॉज दर यहाँ 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 सी माई हैंड यहाँ सर महात्मा गांधी जी वॉज द वन हु एक्चुअली स्ट्रेंदन द बॉयकॉट मूवमेंट इन इंडिया यू नो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट आज की तारीख में हम जब बॉयकॉट की बात करें तो विदाउट महात्मा गांधी जी दर इज अ बॉयकॉट ट्रेंड हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया बॉयकॉट बॉलीवुड स्पेशली रहमान साहब स्पेसिफिकली टू यू वाई डू थिंक बॉयकॉट बॉलीवुड ओनली हैपन्स एंड नेॉयकॉट साउथ इंडियन मूवीज वाई इज दिस ट्रेंड हैपनिंग एंड हाउ डिस्टर्बिंग इज इट एंड हाउ कैन वी स्टॉप एज आर्टिस्ट वॉट यू फील मैं ये कहता हूँ कि उसके तरफ ध्यान न देते हुए हम एक आग्र के साथ में अच्छी फिल्म बनाने के प्रयास में लगना चाहिए वही इसका जवाब है और कुछ नहीं वो कुछ भी करते रहे बॉयकॉट मूवमेंट करें एक्सेप्टेंस वाला मूवमेंट करे उसके कोई मायने नहीं है योर गुड वर्क इज गोइंग टू सस्टेन एंड दैट गुड वर्क ओनली विथ सिंसियरिटी ट्रुथ के साथ में बनाएंगे दैट इज ओनली गोइंग टू टेक यू हैड कर्मण्यवाधिकारस्ते हैं माफु कदाचन मैं इस पर बहुत विश्वास करता हूँ कर्म हमारे हाथ में है और कर्म को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए हमें और फल की चिंता न करें मुझे पूरा यकीन है अल्लाह कहो राम कहो ईश्वर कहो जीसस कहो वो आपको आपके मेहनत ईमानदारी के हिसाब से फल देगा बाकी इस ट्रेंड वगैरह को मैं मानता नहीं हूँ अगर ये ट्रेंड सच्चा होता तो आज जो ओपनिंग जिससे बात की पठान की ओपनिंग कैसे लगती वही लोग हैं

तब नेक्स्ट तो तो अभी पूरी हिंदुस्तान जो इंडिया अपने आप होल है तो हमें डिवीजन अभी नहीं सोचना चाहिए कि वो यहाँ की पिक्चर है यहाँ की पिक्चर है अच्छी फिल्म बुरी फिल्म ये दो कैटेगरी रहेगी देर इज नो अदर कैटेगरी वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी थिंग गुड कमिंग फ्रॉम एनी टेरिटरी एनी साइड बिकॉज सो मेनी स्टोरीजी स्टॉप कमिंग नॉर्थ इंडिया बिल्कुल और इसका श्रेय लोगों को जाता है मैं लोगों को सैल्यूट करता हूँ उनके स्पिरिट को सैल्यूट करता हूँ वो जो एक्सेप्ट करने लगे हैं बिना प्रांत बिना भाषा बिना किसी देखते हुए हर जगह पे अच्छी फिल्म चलो देखेंगे जी

Hi, Disha here from News18. Um, in another one hour, we'll know the fate of RRR at Oscars. In case um, RRR does get nominated, what is that one advice you'd give the team for the red carpet? Uh, I think they did a good rehearsal in the Golden Globes. So I think they know what to do. <laughs> but how hopeful yeah. are you? I'm ever? hoping that they win because okay. it's a. When for India again? Do you think um, I don't know. I don't know because there's so much of stiff competition, but definitely the song has scope. Uh, Rajkumar sir, here uh, here this side. Uh, Anjana here from a uh, film window. Uh, sir, from the time uh, the trailer has been released and uh, by the vision you are seeing your movie.

कि पर्पस है ईमानदारी से एक फिल्म बनाना और जो गांधी जी और गोडसे जी दोनों के विचारों को मंच पे लाना और लोगों को सोचने पे मजबूर करना समझने जाने, पे लगा दें कि लोग सोच के समझें दोनों किरदारों को पर्पस वही था मच सेकंड क्वेश्चन इज रहमान सर ऐसा है मेरी एक रिक्वेस्ट है या सर प्लीज मैं अकेला तो मैं तो 2 घंटा बैठ के बात करूंगा बात करने का शौक़ है मुझे <laughs> मैं स्टोरी नरेट वगैरह करता रहता हूं दो दो घंटे नरेट करता रहता हूं मैं रात भर बैठूंगा यहां पे तो जो लोग मंच पे हैं

If my your my wishes were like I, I thought it will start from 10 years back. It's 12 years late. This should have every year should happen from India because India has 1.3 billion amazing geniuses there, and every aspect of you know filmmaking we have we are up there. I think we should just most of us don't even enter the competition. Most of the movies are not even entered. So so at least they had the thing to put the put it in you know Golden Globes and they did a little bit promotion.

कि फिल्म को जाके देखें बिना किसी मत बनाए ओपन माइंड के साथ फिल्म को देखेंगे सबसे मेरा ये विनंती है तो किसी शिकायत का मौका नहीं रहेगा और मेरी दूसरी आग्रह मैंने अपने पीआर टीम से कहा है आप ये प्रेस शो होगा प्रेस शो में फिल्म देखने के बाद में एक मुलाकात और करेंगे जिसमें आप फिल्म देख लिया होगा फिर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए राज आपने झूठा दावा किया था ऐसा नहीं है आपने इनका साथ दिया इनका साथ दिया जो भी है मैं फिर हाज़िर हो जाऊँगा जवाब देने के लिए आपको इस कॉन्फिडेंस के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं